खबर दंतेवाड़ा से, जहां दंतेवाड़ा के विधानसभा उपचुनाव का चुनावी दंगल आज से शुरू हो जाएगा, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशी और ओजस्वी मंडावी और देवती कर्मा आज शक्ति प्रदर्शन के साथ ही नामांकन जमा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ तमाम दिग्गज देवती कर्मा के खेमे में नामांकन जमा करने के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, ओपी चौधरी, सौदान सिंह जैसे कई दिग्गज नजर आएंगे और इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि दोनों दलों में जेड श्रेणी की दर्जनों नेता पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेनका डोबरा ग्राउंड में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ चुनाव संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, दंतेवाड़ा में आज से चुनावी दंगल शुरू होने जा रहा है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं, चुनावी प्रचार किया गया है और अब नामांकन की बारी है, क्या अपडेट और मिल पा रहा है? देखिये मिश्रा, दंतेवाड़ा के दंगल में आज शक्ति प्रदर्शन दोनों पार्टियों की ओर से देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं देवती कर्मा और ओजस्वी मंडावी, वो आज दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन जमा करने जा रही हैं। देवती कर्मा के साथ नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, जो प्रभारी सचिव चंदन यादव, अरुण राव समेत कई ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जो इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक तरीके से कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन इस नामांकन कार्यक्रम के जरिए करना चाह रही है और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक चुनावी आम सभा वहां पर होगा, वहां पर जहां डोबरा कॉलेज ग्राउंड है वहां पर एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अब जो चुनावी प्रचार है उसकी जो गति है वो अब और तेज हो जाएगी। पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो दंतेवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा दूसरी ओर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं ओजस्वी मंडावी, जो दिवंगत भीमा मंडावी की पत्नी है, वो भी आज नामांकन जमा करने जा रही हैं। उनके साथ तमाम दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, तमाम जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो आज जो दंतेवाड़ा है वो कहीं ना कहीं आज शक्ति प्रदर्शन का जो दौर है और वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता वहां पर आज ही के दिन मौजूद रहेंगे। उसके कार्यक्रम में नामांकन कार्यक्रम के बाद बीजेपी वहां पर चुनावी प्रचार शुरू कर देगी, क्योंकि 23 सितंबर को चुनाव होने हैं और ऐसे में ज्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा नक्सलवाद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के दो वोटिंग के दो दिन पहले भीमा मंडावी, जो दंतेवाड़ा के विधायक थे, उनकी नक्सलियों ने हत्या की थी। तो इस मामले को जोर शोर से इस चुनावी मैदान में उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस के बात की जाए तो हेमंत आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे दंतेवाड़ा से स्वराज संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पे जुड़ गए। पंकज, उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से क्या तैयार आपसे नजर आ रही हैं? दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव को लेकर के भारी तैयारियां हैं। आज नामांकन में बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। देवती और ओजस्वी दोनों ही खेमे से बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, जिनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में अच्छा खासा दखल है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंच रहे हैं तो भूपेश बघेल जी भी पहुंच रहे हैं और उनके एक मेनका डोबरा में एक आम सभा भी है, उसके बाद यहाँ पर नामांकन भरा जाएगा। और मतलब जो जितने नेता पहुंचे हैं उसमें से जेड प्लस सुरक्षा के भारी नेता है, इसके नक्सल क्रॉस क्षेत्र होने की वजह से भारी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और भारी तादाद में यहाँ पर बल दोनों तरफ से लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में इमोशनल फैक्टर तेजी से चलेगा, क्योंकि दोनों ही जिले से जो प्रत्याशी हैं वो नक्सली हिंसा पीड़ित परिवार से देखे जा रहे हैं। जहाँ महेंद्र शर्मा जी की वीरम घाटी में नक्सलियों ने निशान हत्या कर दी थी, वहीं पर जो विधायक भीमाराम मंडावी की भी लोकसभा से पहले हत्या हुई थी, इसलिए यह चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। जी पंकज, देखा जाए तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों की तरफ से शहीद
की पत्नियां हैं, आमने सामने दोनों ही तरफ से टक्कर काफी देखी जा रही है। क्या इस बात को भी माना जाए कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उस सहानुभूति के बल पर दोनों ही पार्टियां लड़ना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि 2013 के चुनाव में भी जब वीरम कला संघार हुआ था तो देवती कर्मा जी को मैदान में उतारा था कांग्रेस ने और उसका फायदा भी उन्हें मिला था। वो सीट कांग्रेस ने अपने खाते पर ली थी, मगर 2018 में वो सीट कांग्रेस नहीं बजा पाई जबकि कांग्रेस की चुनावी लड़ाई थी पूरे छत्तीसगढ़ में। और इस बार ऐसे ही जस्ट अपोजिट बीजेपी के साथ में है। बीजेपी ने इस बार मैदान में विष्णु मंडावी को उतारा है, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों ने लोकसभा से पहले उनकी हत्या की थी, तो एक सहानुभूति की लहर चलेगी। और जो पढ़ा लिखा क्षेत्र है गीदम बचेली दंतेवाड़ा किरंदुल ऐसी जगहों में निश्चित फायदा मिलेगा। और यहाँ पर जो पैनल बोर्ड पर जो नाम अंकित होते हैं उसमें भी ओजस्वी का पहले नंबर पर नाम है उसका भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में हमेशा देखा गया है कि वो पहले नंबर होता है उसके 2 से 3 हजार वोटों का इंक्रीज होता है। तो बीजेपी का पड़ला इस वक्त भारी दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज, और लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसा कि हमने दंतेवाड़ा के स्वराज संवाददाता से भी यही बात पूछी और आपसे भी जानना चाहेंगे, मीडिया एनालिसिस के हिसाब से दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से एक प्रयास किया है कि शहीद की पत्नियों को ही उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या सहानुभूति के बल पर ही दोनों पार्टियां अब चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, सहानुभूति वोट बटोरने के लिए ही भाजपा ने भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को उतारा है। भाजपा की ये कोशिश है कि कहीं जिस तरीके से बस्तर की सभी सीटें कांग्रेस के पास है सिर्फ दंतेवाड़ा को छोड़कर, तो दंतेवाड़ा कम से कम बीजेपी के पास रहे, इसीलिए सहानुभूति के तौर पर यहाँ पर ओजस्वी मंडावी को उतारा गया है। वो हालांकि वो कितना इसमें सफल हो पाती वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो दंतेवाड़ा की स्थिति अभी कहती है उसके अनुसार दोनों तगड़ा मुकाबला दोनों प्रत्याशियों के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्योति कर्मा पूर्व विधायक रही है, उनका जनाधार दंतेवाड़ा में रहा है और कर्मा परिवार का वर्चस्व सभी को मालूम है कि दंतेवाड़ा में कर्मा परिवार को वर्चस्व कितना है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो, क्योंकि जो ज्योति कर्मा के बेटे हैं दीपक और छबीन कर्मा, ये भी लगातार चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं, वहां पर अपनी माँ के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा ज्योति कर्मा की एक बेटी भी है, जिस बूथ में कोई जा नहीं सकता उस बूथ में भी जो ज्योति कर्मा की बेटी है वो वहां पर पहुंचती है और अपने माँ के लिए प्रचार करती है। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला था, तो तगड़ा मुकाबला दोनों प्रत्याशियों के बीच होगा। हालांकि किसकी हार और किसकी जीत होती है ये 27 सितंबर को फैसला हो जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी चुनावी प्रचार के लिए जोर शोर से दोनों उम्मीदवार जुटी हुई है और दोनों पार्टी के नेता लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो अपनी पार्टी को वोट दें। तो हालांकि ज्योति कर्मा की बात की जाए तो वो भी दिवंगत महेन कर्मा की पत्नी रही है, वो भी नक्सली हमले में जो महेन कर्मा है वो भी मारे गए थे और भीमा मंडावी की भी हत्या नक्सलियों ने की थी। तो एक तरीके से दोनों तरफ से सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन किसको इसका फायदा मिलता है ये आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। कोरबा से बड़ी खबर मिल रही है जहां